हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष केलोत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिम्स एल्गोरिथम। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया था और स्पैनिंग ट्री का क्या कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि दो एल्गोरिथम ऐसी है जिसके थ्रू हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो ग्राफ गिवन है उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी और उससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा बनेगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने क्रुस्काल्स एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिम्स एल्गोरिथम को हम कैसे सॉल्व करें, उसका क्या प्रोसीजर है, एक एग्जांपल के हम थ्रू ये हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से और इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे और उसकी कॉस्ट क्या है वो भी हम पता करेंगे। फ्रेंड्स, बुक्स में या नेट पर बहुत सारी प्रोसीजर्स दे रखे हैं प्रिम्स एल्गोरिथम के, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्रोसीजर वो है कट मेथड के थ्रू। कट मेथड आपको लगाना है, आप यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं एल्गोरिथम। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है ए है उसे ये प्रोसीजर स्टार्ट करें। आप चाहें तो वर्टेक्स ई से, बी से, सी से, डी से, किसी भी वर्टेक्स से आप ये एल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ग्राफ में फ्रेंड्स कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जितने भी ग्राफ के जो वर्टेक्स होते हैं वो सारे के सारे वर्टेक्स एज ए ओरिजिन नोड की तरह बिहेव करते हैं। ट्री और ग्राफ में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ट्री में हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रूट नोड, जबकि ग्राफ में कोई भी ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है जिसको बेसिकली जितने भी ट्री ग्राफ में जो वर्टिस हैं वो सारे के सारे जो है ओरिजिन नोड की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए आप कोई भी वर्टेक्स से ये एल्गोरिथम स्टार्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो लेट्स से हम यहाँ वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन। हमको क्या करना है कि वर्टेक्स ए से जो पास आउट जो एजेस हैं, वर्टेक्स ए से दो एजेस पास आउट हो रही है, एक वर्टेक्स बी की तरफ और एक वर्टेक्स ई की तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर एक कट लगा दीजिए। ये कट ये डिनोट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कट से होकर जाने वाली एजेस कितनी है और उसमें सबसे मिनिमम एज कौन सी है। ठीक है, टोटल कट में दो एजेस पास आउट हो रही है और दोनों में से मिनिमम कौन सी है, फोर, ए टू बी। सो ए टू बी को आप क्या कर लीजिए, आप चाहें तो इसको बोल्ड कर लीजिए, इसको आप इस तरह से। ये बोल्ड होने का ये मतलब है कि ये एज अब सेलेक्ट हो चुकी है, सी डी ओके, फोर सिक्स टेन एट फाइव और वन, ये एज हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। हमने कौन कौन से वर्टेक्स को विजिट किया है, ए और बी को। यहाँ पे हमने वर्टेक्स किया था ए से स्टार्टिंग की थी, अब हमने ए और बी को वर्टेक्स किया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट जो कट लगाना है वो कट लगाना है हमें ए और बी साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो जो भी एजेस पास आउट हो रही है ए और बी से, उन सब के ऊपर कट लगाना है। बट ध्यान ये रखना है कि जो ऑलरेडी विजिटेड जो एजेस है उसके ऊपर आपको कट नहीं लगाना है। जैसे कौन सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब यहां से आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। सो ए कॉमा बी से एजेस कौन कौन सी पास आउट हो रही है, एजेस ए कॉमा ई, बी कॉमा ई और बी कॉमा सी, इन सब के ऊपर आप इस तरह से कट लगा दीजिए। सो तीन एजेस पास आउट हो रही है, वन टू एंड थ्री, और इन तीनों में से सबसे मिनिमम मिनिमम एज कौन सी है, सिक्स। तो हम सिक्स को क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे यहाँ पर ए। मैं इसको थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी ई और डी। ठीक है, चलिए, पहले हमने इस एज को विजिट कर लिया था, अब हम कौन सी एज को विजिट किया है, ए कॉमा ई को। बट फ्रेंड्स ध्यान आपको रखना है कि लूप नहीं बनना चाहिए। सो फोर सिक्स टेन एट वन और फाइव। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है फ्रेंड्स, फोर और फाइव, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज फाइव। सो स्पैनिंग ट्री के लिए हमें कितनी एजेस चाहिए, एन माइनस वन। ये फ्रेंड्स रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था,
अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, मैंने उसमें वहाँ पे स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन वहाँ प्रोवाइड करी है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एन वर्टिसेस हैं तो उसको स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एन वर्टिसेस ही चाहिए प्लस एन माइनस वन एजेस रिक्वायर्ड होंगी, एक कम। सो इस ग्राफ में टोटल एन नंबर ऑफ वाइट वर्टिसेस हैं, एजेस कितनी चाहिए हमें एन माइनस वन, सो कितनी टोटल चार, दो एजेस आ चुकी हैं हमारे पास में। अब और हम काम करते हैं, हमने अभी कौन से वर्टेक्स को टच किया है, ए कॉमा बी कॉमा ई को, इन तीनों टच हो चुके हैं। अब जो फ्रेंड्स कट लगेगा वो इन तीनों के ऊपर लगेगा, ए बी और ई, मतलब ए बी ई से पास आउट होने वाली सारी एजेस के ऊपर कट लगेगा, एक्सेप्ट वो एजेस जो विजिटेड हो चुकी है उनके ऊपर कट नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं, ए और बी, ए से जाने वाली सारी विजिट हो चुकी हैं, ये बी की सारी एजेस और ये बन जाएगी ई की सारी एजेस, ठीक है। बी से दो एजेस पास आउट हो रही है, ई से तीन एजेस पास आउट हो रही है, एक विजिट कर चुके हैं, दो विजिट करनी है, ठीक है, कट लगा दिया है मैंने। इस कट में जो है तीन एजेस आ रही है, बी कॉमा सी, बी कॉमा ई और ई कॉमा डी, इन तीनों में एजेस में सबसे मिनिमम कौन सी है फ्रेंड्स, वन। सो हम वन को विजिट करेंगे, ए बी सी ई और डी, ये हम विजिट कर चुके हैं इसलिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। और लास्ट अभी हमने जो विजिट की है वो है ई कॉमा डी, क्योंकि ये सबसे मिनिमम थी, 4, 6, 1, 10, 8 और 5, ठीक है, तीन एजेस विजिट कर चुके हैं। अब विजिटेड कौन वर्टेक्स कौन से हैं, ए बी ई, नेक्स्ट जो विजिटेड वर्टेक्स है वो है डी, ठीक है, डी को हम कंसीडर करेंगे। अब सारी ए बी ई और डी सारी एजेस जो पास आउट हो रही है वो सारी एजेस के ऊपर हम कट लगेगा इन वर्टेक्स से जो पास आउट हो रही है, तो लगा दीजिए कट बी से, ठीक है, ये कट और ये कट, तीनों कट एक साथ लगेंगे, ये लगा दीजिए, ठीक है। इन तीनों कट में से सबसे मिनिमम कौन, ये फाइव, क्या फाइव को लेने से लूप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, सो हम इस फाइव को कंसिडर कर सकते हैं। सो हम इसको भी बोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स, ए बी सी ई और डी, ये विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, ठीक है, ये विजिटेड है, और लास्ट में अभी हमने जो विजिट किया है वो है सी कॉमा डी, दिस इज 8, 4, 6, 1, 5 और 10, ठीक है। फ्रेंड्स स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें चार एजेस चाहिए, वो हमें चार एजेस मिल चुकी हैं। अगर आप फिर भी आप कट लगाना चाहेंगे, लेट से अब नेक्स्ट जो मिनिमम एज होगी वो होगी 8, अगर आप कट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, उससे एक लूप बन जाएगा। सो आप अपना प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि हमें चार एजेस यहाँ पर मिल चुकी हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी ई और डी, ओके, 4, 6, 1 एंड 5, ठीक है। ये जो हमारे पास में फ्रेंड्स जो ट्री बना है इसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और अगर हम सारी वेट्स को हम ऐड कर लेते हैं, 6, 4, 10, 5 और 15 एंड 16, ये आया है हमारे पास में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इस पर्टिकुलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री की मिनिमम कॉस्ट हमारे सामने आई है। सो फ्रेंड्स ये था प्रिम्स एल्गोरिदम का प्रोसीजर, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ है तो आप उस ग्राफ की स्टार्टिंग कहीं से भी किसी भी नोड से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करें, आप कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ग्राफ से पास आउट में जितनी भी एजेस है उसके ऊपर कट लगा दीजिए, मिनिमम एज सेलेक्ट कीजिए, और यही प्रोसीजर करते रहिए जब तक कि आपको सारी एजेस स्पैनिंग ट्री के लिए नहीं मिल जाती है। स्पैनिंग ट्री में सारी एजेस कितनी होगी, एन माइनस वन, वेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेज, और लास्ट में जो भी आपको मिले उसमें सारी वेट्स का आप सम कर लीजिए, उससे आपको मिलेगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। सो फ्रेंड्स ये था प्रिम्स का प्रोसीजर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।